केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग शुरू हो गई है। जी हाँ, बताना चाहेंगे केजीएफ फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने कल मंदिर में पूजा की और पूजा करने के बाद फिल्म का मुहूर्त हो चुका है। बताना चाहेंगे फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों से की जा रही है और फिल्म का पहला सेट विजयनगर में लगाया गया है। बताना चाहेंगे केजीएफ चैप्टर 1 कन्नड़ सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है और ऐसे में मेकर्स इस फिल्म के अगले पार्ट यानी केजीएफ चैप्टर 2 को काफी बड़े पैमाने पर बनाने वाले हैं। नतीजन इस फिल्म में बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार संजय दत्त की भी एंट्री होती दिख सकती है। जी हां, खबरों की माने तो संजय दत्त इस फिल्म में खलनायक का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा होता है तो केजीएफ फैंस के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि जब जब संजय दत्त ने खलनायक का किरदार निभाया है तब तब वो सभी फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई हैं और इस बात का जीता जागता सबूत बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्में हैं। बताना चाहेंगे बीते दिन पहले ऐसी खबरें आई थी जिसमें ये बताया गया था कि रवीना टंडन भी फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में देखने को मिल सकती है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि रवीना टंडन एक लंबे समय से बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब है और ऐसे में उनकी एंट्री केजीएफ चैप्टर 2 में होती तो जाहिर सी बात है रवीना के फैंस के लिए ये फिल्म एक बड़े तोहफे जैसा साबित होगी। सलमान से लिया अक्षय कुमार ने पंगा। जी हां, बताना चाहेंगे एक लंबे समय से सलमान खान का दबदबा ईद पर रहा है और साल 2009 से लेकर अब तक सलमान खान की बैक टू बैक कई फिल्में ईद पर रिलीज हुई और सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं, लेकिन अब अक्षय ने साल 2020 के ईद पर सीधे सलमान खान से पंगा ले लिया है। बताना चाहेंगे अक्षय कुमार साल 2020 के ईद के मौके पर अपनी फिल्म सूर्यवंशी लेकर आ रहे हैं। हालांकि बीते दिन पहले ये खबर आई थी कि अक्षय कुमार ने साल 2020 में ईद के मौके पर अपनी फिल्म सूर्यवंशी को रिलीज करने के लिए सलमान खान से इजाजत मांगी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। बताना चाहेंगे अभी हाल ही में एक इवेंट के दौरान जब इस बारे में अक्षय कुमार से पूछा गया तो अक्षय ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में मेरे और सलमान खान के बीच में कोई बात नहीं हुई है। और बताना चाहेंगे अक्षय के इस बयान से साफ साबित हो गया है कि सलमान खान से अक्षय कुमार ने सीधे पंगा ले लिया है। फिलहाल इस बार साल 2019 के ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म भारत रिलीज होने वाली है और भारत फिल्म के बाद साल 2020 के ईद के मौके पर कौन सी फिल्म रिलीज होगी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन बताना चाहेंगे साल 2020 में सलमान खान की 3 ऐसी फिल्में हैं जो अक्षय कुमार को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ सकती हैं। वो फिल्में हैं दबंग 3, संजय लीला भंसाली का अनटाइटल प्रोजेक्ट और अतुल अग्निहोत्री की फिल्म बेहतरन। इन तीनों फिल्मों में से किसी एक फिल्म को सलमान खान साल 2020 के ईद के मौके पर रिलीज कर सकते हैं।